ओके हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉट एंड लेट। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अपने एमसीक्यू सीरीज़ में चल रहे हैं। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम पार्ट 8 लेके आए हैं, और ये टोटली नया टॉपिक है जो कि आपकी यूनिट 4 है, जो कहती है नंबर सिस्टम्स, लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा। बिना समय वेस्ट करे हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए किस तरीके के सवाल इसमें आ सकते हैं। नंबर वन, विच नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16? तो सबको पता है कि ये बेस ऑफ 16 किसका होता है, ये हेक्साडेसिमल का होता है। ठीक, तो बेस 16 इज हेक्साडेसिमल, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट ए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एंट्रीज विल बी इन अ ट्रूथ टेबल ऑफ अ 4 इनपुट नैंड गेट? फ्रेंड्स, जितने भी इनपुट होते हैं उसकी 2 to the power ऑफ n एंट्रीज होती हैं ट्रूथ टेबल में। तो कितनी थी इसमें? 4 इनपुट थे, तो 2 to the power of 4, दिस मीन्स 16 एंट्रीज। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? द आंसर इज पार्ट डी। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ दीज सेट ऑफ गेट्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट्स? जॉर, नैंड, और, या फिर और नॉट जॉर, या फिर नॉर नैंड एक्स नॉर, या फिर नॉर और नैंड। तो सबको पता है कि जो बेसिक गेट्स, जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके नॉर और नैंड। ठीक, यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनकी मदद से बेसिक गेट्स बन सकते हैं, एंड और नॉट इनकी मदद से बनाए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या था इसका? डी पार्ट। द मिन टर्म्स फॉर 4 वेरिएबल्स, मिन टर्म्स भी वही है, वेरिएबल्स 4 हैं, के मैप में आप जाएंगे भरेंगे तो क्या होगा? 2 to the power of 4, 16। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? द करेक्ट आंसर इज 16। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, सपोज द आउटपुट ऑफ एन एक्सनॉर गेट इज 1, विच ऑफ द गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? देखिए, अगर अनलाइक इनपुट्स होते हैं, अनलाइक इनपुट्स जैसे कि ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 0, अनलाइक इनपुट्स पर हाई आउटपुट कौन देता है? जॉर गेट देता है। ठीक, और सिमिलरली अनलाइक इनपुट्स पर अनलाइक इनपुट्स पर जो हाई आउटपुट होता है वो जॉर देता है, और अगर इनपुट्स अनलाइक नहीं हो, इनपुट्स क्या हो? लाइक आउट इनपुट्स हो, तो फिर हाई आउटपुट कौन देता है? एक्सनॉर। क्यों? क्योंकि एक्सनॉर क्या है? नॉट ऑफ जॉर है। ठीक है, तो यदि लाइक इनपुट्स हैं तो ही आउटपुट एक्सनॉर का 1 हो सकता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है आपका, लाइक इनपुट्स देखिए क्या है, ए बी 0, बी बी 0, तो आंसर है सी। फाइन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इज a bar b + cd bar। बड़ा सिंपल सवाल है ये, हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम इसमें लगती है। देखिए, चेंज द लाइन, ब्रेक द साइन रूल है, a bar b + cd bar का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आप तो ये क्या होगा, ए बार बी का बार डॉट, चेंज द लाइन एंड ब्रेक द साइन डॉट, सी डी बार पे बार। तो ये क्या होगा, ए बार पे बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस डी बार पे बार। तो ये कितना आया, ए प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस डी। फाइन, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है इसका पार्ट बी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शोज दी विच ऑपरेशन? एक्सॉर है, सॉप है कि पॉस है? देखिए, आपको पता है कि ये आपको कैसा नजर आ रहा है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। देखिए, प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, और इन प्रोडक्ट्स का क्या किया गया है? सम किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? पार्ट बी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट्स, अभी मैम थोड़ी देर पहले ही लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जब सेम इनपुट्स थे तो हाई आउटपुट कौन देता है? एक्सनॉर गेट देता है, ये पहले ही आपको बता दिया।
तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सनॉर गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो आपको दिख रहा है अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा इसी तरीके का, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब इसमें से जो भी आपको एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट्स का क्या हुआ है, सम हुआ है, ठीक। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स कौन है, नाइन्थ का आंसर क्या होगा, डी पार्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ट्रूथ टेबल में आपसे पूछा है कि स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए जब सॉप एक्सप्रेशन पूछा जाए ट्रूथ टेबल में तो आप ट्रूथ टेबल के आउटपुट की वो एंट्रीज देखिए जहां पर वन है, ठीक, वन है, वहां देखने के बाद अगर जीरो है तो आप उस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करके लिखिए, और यदि वन है तो आप उसको नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए जहां जहां पे वन है, सबसे पहला वन कहां पर है, यहां पर सबसे पहला वन है यहां पर, तो इसकी एंट्री को मैं लिखूं तो इसकी एंट्री क्या होगी, ए बार बी बार सी, ठीक है। दूसरा वन कहां पर है, यहां पर है, इसकी एंट्री क्या होगी, ए बार बी सी, ठीक। और लास्ट क्या है, ये है, लास्ट में क्या होगा, ए बार सॉरी ए बी और सी बार, इनको जोड़ दीजिए, करेक्ट आंसर होगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, ठीक। तो ये आंसर कहाँ है, ये आंसर है हमारा पार्ट डी, फाइन। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, आपको बेसिक गेट्स के बारे में जानना है, आपको सॉप के बारे में जानना है, पॉस के बारे में जानना है, बूलियन अलजेब्रा के सारे लॉज आपको प्रिपेयर करने हैं, सारे एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए, क्या लॉज हैं उसके सब पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको ये पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वॉट एंड लेट को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंटेंट आपको यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का अपकमिंग एक्यूटिव एग्जामिनेशंस के लिए मिलता रहेगा, और ये वीडियोस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं जो बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, स्टे विथ अस।